तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद की बहुत 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 अच्छी औषधि के बारे में, जो कि दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और वह औषधि है लिसोड़ा। हो सकता है कि आपके इलाके में इसको अलग नाम से जानते हो, जैसे कि दोस्तों बंगाली में इसको अलग नाम से जानते हैं, गुजराती में इसको अलग नाम से जानते हैं, मराठी में इसको अलग नाम से जानते हैं, और हिंदी में ही इसके अलग अलग नाम है। यहाँ पर आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि यह होता है लिसोड़ा। जैसे कि दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको किस तरह से लेना है, अगर आपको यह नहीं मिल पाता तो आपको इसको किस फॉर्म में लेना है, और दोस्तों आखिर में जानेंगे कि इसके क्या मुख्य मुख्य फायदे होते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके गुण क्या हैं। इसके बारे में ग्रंथों में कहा गया है कि यह तासीर में ठंडा होता है, यह रस में कटु कशैला और मधुर होता है, यानी कि दोस्तों तीखा खैरा और मीठा, तो यह तीन रस लिसोड़े में मौजूद होते हैं। आगे इसके नेचर की बात करें तो यह स्निग्ध है यानी कि चिकना है। पाचन की बात करें तो यह पचने में भारी है, और अंत में वात पित्त और कफ की बात करें तो यह पित्त और कफ को नाश करती है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको इसको लेना कैसे है, इसके सेवन करने का सही तरीका। दोस्तों अगर आपको इसका फल मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाता तो आप दे सकते हैं इसके चूर्ण को, जो कि दोस्तों मैं आपको ब्रांड बता दूंगा जो कि नॉन स्पॉन्सर्ड होगा, यानी कि दोस्तों मेरी खोज के अनुसार आप इस ब्रांड के लिसोड़े के चूर्ण को ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको इससे भी अच्छा मिल जाए। इसका सेवन आप कर सकते हैं दूध घी शहद या गुनगुने पानी के साथ, लेकिन ये सामान्य स्थिति है। हो सकता है कि कंडीशन के अनुसार इसके अनुपान को बदला भी जा सकता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं, जो कि हमारे शरीर में देखने को मिलेंगे। इसका सबसे पहला फायदा होता है कि दोस्तों यह हमारे पेट के कीड़ों को नष्ट करता है, यह कृमिघ्न होता है, यानी कि दोस्तों खाते पीते बहुत हैं लेकिन शरीर में दिखता नहीं है, तो वह व्यक्ति ऐसे में इसका सेवन करे जिनको दोस्तों बार बार लूज मोशन होने की समस्या है, बार बार जिन व्यक्तियों का पेट साफ होता है, जिनको दस्त है, तो वह व्यक्ति इसका सेवन करे। दोस्तों जिन व्यक्तियों को मूत्र खुलकर नहीं आता, पेशाब खुलकर नहीं आती, तो भी वह व्यक्ति इसका सेवन करे। शरीर जिनका बहुत रूखा सूखा है और उनको शरीर को बढ़ाना है, शरीर की पुष्टि करना है, तो वह व्यक्ति इसका सेवन करे घी और दूध के साथ, यानी कि बराबर मात्रा में इसके चूर्ण को लेना है घी के साथ, और दोनों को अच्छे से दूध में मिलाकर रोज इसका सेवन करें। दोस्तों जिन व्यक्तियों को कफ रोग है, शरीर में या छाती में बहुत बलगम जमा हुआ है, तो ऐसे में इसके काढ़े का इस्तेमाल करना फायदेमंद होगा, यानी कि 400 ml पानी में मात्रा अनुसार आपको डालना है इसके चूर्ण को, इसकी छाल को, पर इसको आपको उबाल उबाल कर 100 ml कर लेना है, और फिर इसका सेवन करें नाश्ता करने के एक घंटा पहले और डिनर करने के एक घंटा पहले। इससे दोस्तों क्या होता है कि कफ ढीला हो जाता है। दोस्तों लिसोड़ा हमारे लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, यह हमारे लीवर को बल देता है, और इसके साथ साथ यही लिसोड़ा हमारे दिमाग के लिए, हमारी याददाश्त शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों जिन व्यक्तियों को गले में बहुत खकार रहती है, तो भी वह व्यक्ति इस स्थिति में लिसोड़े का सेवन करे। दोस्तों लिसोड़े का सेवन करने से यह हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसका सेवन करने से हमारे बाल मजबूत होते हैं, बाल चमकदार होते हैं, जो समय से पहले सफ़ेद हुए बाल हैं वह दोबारा से काले होते हैं। शरीर में बहुत दर्द होता है, तो भी वह व्यक्ति इस स्थिति में गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करे। दोस्तों लिसोड़ा हमारी आँखों के लिए, हमारी आँखों की दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिन व्यक्तियों को अपनी आँखों को अच्छा बनाना है, या जिनका कंप्यूटर वर्क या स्क्रीन वर्क ज़्यादा रहता है, तो भी वह व्यक्ति इस स्थिति में लिसोड़े का सेवन करे। लिसोड़े का सेवन करने से भूख बढ़ती है, खाना खाने की इच्छा होती है, यह रुचि को बढ़ाता है, इसलिए व्यक्ति इस स्थिति में भी लिसोड़े का सेवन करे। फल का सेवन करे तो ठीक, लेकिन नहीं कर सकते तो वह ले सकते हैं आधे चम्मच की मात्रा में लिसोड़े के चूर्ण को और एक चम्मच की मात्रा में शहद, खाना खाने के आधे से एक घंटा पहले इसका सेवन करें। तो दोस्तों ये रहे लिसोड़े के कुछ मुख्य मुख्य फायदे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।